नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं हूं स्वाति। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात मां के साथ गरबा देखने गई बच्ची की गोली लगने से मौत हो गई। बच्ची के सिर में गोली लगी है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। हीरानगर थाना पुलिस के अनुसार शारदा कॉलोनी में रहने वाली 11 वर्षीय माँ ही पुत्री संतोष शिंदे मंगलवार रात माँ के साथ पड़ोसी की कॉलोनी में गरबा देखने गई थी। वह गरबा पंडाल में माँ के साथ आगे बैठकर गरबा देख रही थी। इसी दौरान कोई आवाज़ के साथ कोई चीज़ आकर उसके सिर में लगी, इससे खून निकलने लगा। लोग उसे लेकर अस्पताल गए, जहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वह कक्षा 6 में पढ़ती थी। पिता संतोष शिंदे का कहना है कि मेरी किराना दुकान है और हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। माँ ही उसकी माँ के साथ रोज उसी कॉलोनी में गरबा देखने जाती थी। हीरानगर पुलिस ने बताया कि बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भिजवाया गया है। सिटी स्कैन में गोली के आकार की वस्तु दिखाई दे रही है। हकीकत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। हम तो बच्ची का और क्या माई शिंदे, वो पड़ोस की कॉलोनी में, हमारी कॉलोनी के पड़ोस में गरबे देखने गई थी। उसकी माँ, छोटा बच्चा 4.5 साल का बच्चा है मेरा, और वो और ये हर रोज जाते हैं गरबा देखने। तो आज भी लास्ट है तो बोले चलो आज भी चलते हैं। तो वो गरबा देखने चले गए तो 10 बजे वहाँ सब लेडीजें बैठी थी, जेंट्स लेडीज सब बैठे थे, गरबा देख रहे थे। और आज जो मेरी बच्ची ने कहा, मेरी वाइफ के आगे बैठी थी, मतलब बच्चे और वो सब आगे बैठे थे। तो बैठते से ही वो 10-15 मिनट में पता नहीं क्या हुआ, फट से आवाज़ आ गई, जैसे सिर से यहाँ से आवाज़ आई और यहाँ से निकल खून की चिंगारियाँ उड़ने लग गई। और जैसे ही उड़ गए तो 1 मिनट में तो उसने आंग डाल दिया, मतलब शरीर डाल दिया उसके गोदी में। तो फिर वहाँ गोदी में हम चिल्ला, फिर मेरे को फोन आया ऐसा हुआ है। तो आसपास के कॉलोनी के लोगों ने निकल तुरंत उसको बड़ौदा हॉस्पिटल लेके आए। तो वहाँ पर देखा, आधा घंटा देख लिया, उनसे कुछ नहीं हुआ। तो कौन सा हॉस्पिटल वो ना, राजश्री बरोट में था, तो भी राजश्री में लेके आए, वहाँ से चल राजश्री में ले आए। तो वहाँ रात भर ब्लड चलता रहा, उनसे भी संभला नहीं। तो क्या 10:30 बजे जवाब दिया उन्होंने, मना कर दिया। क्या कहाँ से गोली चली थी कुछ भी मालूम है क्या? वो तो पता नहीं क्या चल रही, बस वो यहाँ पे क्या कुछ पत्थर नहीं, किसी ने कुछ नहीं मारा। बच्चे की सिटी स्कैन में हमको डॉक्टर ने हमको दिखाया था, इतनी बड़ी चीज़ है कुछ, तो गोली टाइप दिख रही बस। क्या करती बच्ची, कितनी, कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। कितनी उम्र है? 11 साल की। घटना है शारदा नगर कॉलोनी की, रात की 10:15 बजे की। हाँ, 10:15-10:30 की घटना है रात की। आपका क्या नाम? संतोष शिंदे, मैं उत्तर पिताजी हूँ। क्या करते हैं? मैं किराने की दुकान है मेरे घर पे। किसी को कोई शंका है किसी ने? नहीं, हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है भैया। हमने कहा सभी से मौज मस्ती से रहते, किसी से कोई भी नहीं है, ना मेरी बच्ची से किसी से दुश्मनी है। वो हमेशा हंसती खेलती रहती, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना हमारे झगड़ा आसपास का किसी से होता है, ना हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता। कुछ भी नहीं देखा क्या, ऐसे कहा? अचानक एकदम से आ जाता है तो फिर क्या पता पड़ेगा किसी को भी, समझ में नहीं आया ना। अब पुलिस की कर दिया है वो जांच। संतोष शिंदे, संतोष